स्वागत है 205 चैनल में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट, वो भी नारियल से। आप नारियल से बनाएंगे और नारियल को आप फ्रेश नारियल उससे भी बना सकते हैं और जो उसका पाउडर आता बुराता उससे भी बना सकते हैं। तो चलो मैं एक फ्रेश नारियल ली हूँ और इसको तोड़ के फिर इसका घिस के फिर बनाती हूँ। देखो हम नारियल तोड़ के ले लिए, अब इसका सब निकाल लेते हैं इसको इसमें से और फिर इसको घिसेंगे। इसका काला पार्ट जो ऊपर ब्राउन पार्ट होता है ना, ये मैं चाकू से निकाल दूँ। अब देख सकते हैं मैं नारियल तोड़ के सब छिलका देख रहे हैं, दोनों इसका निकाल ली हूँ। अब दोनों साइड व्हाइट है, अब हम इसको घिस लेते हैं। आप देख सकते हैं हम ग्रेट करके ले लिए हैं नारियल को, और आप चाहे मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं। उसका वो पीछे का जो ब्राउन पार्ट होता है पीछे वाला, वो निकाल के आप ग्रेट कर सकते हो। इसी से मैं ग्रेट कर ली हूँ, और चाहे आप मिक्सी में डाल के पीस लो, पर मैं ग्रेट करी। देख लो इतना बड़ा बड़ा लग रहा है थोड़ा, ये तो पहले मैं इसका बनाएंगे चॉकलेट। तो चलो आगे का दिखाते हैं। कढ़ाई लिए है, तब हम एक गिलास दूध भर के लिए हैं, एक गिलास। अब हम इसमें डाल देते कढ़ाई में, अब दूध डाल दिए। दूध को मैं पहले गरम कर लूंगी और थोड़ा मैं दूध का मलाई ली हूँ, ये भी डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं एक गिलास दूध मैं ली थी, अब इसमें मैं मलाई वाला दूध ली हूँ, पूरा मलाई है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और सबको गरम कर लेती हूँ अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं दूध की मलाई वाला दूध मैं ली हूँ, एकदम गाढ़ा दूध है, फुल फैट वाला दूध है। मैं थोड़ा इसको जलाऊंगी दूध को, थोड़ा सा इसका आधा पार्ट जला देती हूँ, फिर इसमें मैं नारियल डालूंगी और फिर बनाते हैं चॉकलेट। आप देख सकते हैं दूध जल के कम हो गया है, एकदम गाढ़ा हो गया है गरम करके करते। अब हम इसमें इस वक्त चीनी लेंगे, आधा पौना कटोरी समझ लो चीनी है, मैं इसको भी डाल देती हूँ। इसको डाल के अब हम मिला लेते हैं इसको, समझ लो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है दूध चीनी का, कंडेंस मिल्क डालो और नारियल डाल के बना सकते हैं। पर मेरे पास नहीं है तो इस वक्त मैं ये समझ लो कंडेंस मिल्क ही बना रहे हैं। अब हम इसमें दूध में चीनी डाल के इसको थोड़ा और गाढ़ा बना लेते हैं। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें पानी लेते हैं एक बर्तन में, वैसे डालेंगे। अगर इसका गोली बन रहा है तो समझ लो एकदम तैयार हो गया है। हाँ देखो थोड़ा गोली बन रहा है, पर अभी मैं थोड़ा और पका लेती हूँ 2 मिनट। देख सकते एकदम गाढ़ा हो गया है, ऐसे देख सकते हैं ना कितना गाढ़ा गिर रहा है। अब हम इसमें वो जो नारियल ली थी और घिस के वो मैं डाल देती हूँ, ये भी डाल के अच्छे से मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। इसको भी डाल के अच्छी तरह से पका लेते हैं। देख सकते हैं अभी एकदम मिठाई बनने के जैसा हो गया, चाहे आप लड्डू बनाओ चाहे इसका बर्फी के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको थोड़ी टाइम ऐसे और पका लेते हैं, नारियल तो पक जाया गया है थोड़ा। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे चलाते हुए 2 मिनट और हम इसको पका के फिर गैस बंद करें। देख सकते हैं अब मिठाई या चॉकलेट बनने के फॉर्म में हो गया है सूखा सूखा। अब चलो हम इसका चॉकलेट बना लेते हैं और ठंडा करके इसका चॉकलेट बना के आपको दिखा। ये नारियल का जो बनाई थी मिठाई, अब हम चलो इसको थोड़ा थोड़ा लेके चॉकलेट का शेप देंगे, हाथों पे इसे लेंगे और इसको ऐसे इसका शेप देके ऐसे सब बहुत तैयार कर लेते हैं इस तरह। अब देख सकते हैं मैं नारियल का चॉकलेट का शेप दे दी हूँ, ये चॉकलेट का शेप दी हूँ जो ब्लैक प्लेट में है और जो व्हाइट प्लेट में है, मैं इसका गोल शेप दी हूँ। आपको जो शेप देना है दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलो हम चॉकलेट को पिघलाते हैं और आपको दिखाते हुए आगे।
देख सकते हैं मैं ये डार्क चॉकलेट ली हूँ, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, इसकी जगह डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। तो चलो हम इसको एक बाउल में निकाल के पिघलाते हैं, इसको निकाल के आप देख सकते हैं मेरा पानी गर्म हो गया है, पानी गर्म हो गया। अब गैस हम कम कर देते हैं और इसको हम इसमें रख देते हैं चॉकलेट पिघलने के लिए। अब जैसे चॉकलेट मेल्ट होगा, देख सकते हैं चॉकलेट मेरा मेल्ट होने लगा है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेती हूँ, इसको पिघला लेती हूँ, देख सकते हैं मेल्ट हो रहा है। अब देख सकते हैं मैं थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैं एक चॉकलेट और इसमें डाली, अब देख सकते हैं पिघल गया है। अब चलो हम इसको कोटिंग कर, अभी जो मैं गोल शेप करी थी वो मैं इसमें इसको डाल देती हूँ, चॉकलेट में डीप कर देती हूँ, दो डाल देती हूँ और फिर इसको मैं कोटिंग कर लेती हूँ इसमें। अब कोटिंग करके अब मैं इसको एक चम्मच के सहारे मैं इसको निकाल लेती हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं धीरे से, इसी तरह मैं अभी एक और कोटिंग कर लेते हैं को भी ऐसे रख देते हैं। और जो मैं एक अलग शेप बनाई थी इसको भी इसमें, ये चॉकलेट का शेप है इसको भी मैं इसमें डीप कर लेती हूँ। आपको एकदम फ्रोरो रेसे जो चॉकलेट होता है ना बाहर का, एकदम वैसा ही लुक आपको खाने में लगेगा। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह मैं सबको डीप करके इसमें कोटिंग कर करके मैं निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं सब कोटिंग करके ले ली हूँ, अब एक घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर आपको आप देख सकते हैं मैं फ्रिज में रख दी थी, ठंडा हो गया। देखो मैं सबको छू रही हूँ, अच्छे से निकल रहा है। और ये मैं थोड़ा चाकू लूंगी, चाकू की तो मदद से मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा ठंडा है ना तो चिपक गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया निकला है चॉकलेट बना है। आप देख सकते हैं क्रिसमस पार्टी आ गया है तो मैं घर में चॉकलेट बनता है तो इसके लिए मैं हेल्दी चॉकलेट बनाई हूँ, एकदम नारियल और डार्क चॉकलेट से बनाई हूँ। बहुत पसंद आएगा बच्चे लोग को, तो घर में इस तरह चॉकलेट बनाइए, बच्चे लोग को खिलाइए, खुश रहिए और मेरी क्रिसमस मनाइए। एक बार फिर से वीडियो में मिलते हैं दूसरी बार।